गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सिजलिंग सैटरडे की इस इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आपका लाइफ कोच और मेंटर प्रोफेसर जेएस बत्रा, और हम सब लोग हैं आपके चहेते चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा पर द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गुरु। जैसा कि बच्चों, आज आपका ऑडिट का पेपर था और मैं मान के चलता हूं आपका ये ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपके पिछले सारे पेपर भी अच्छे गए होंगे। आ गया है अब हमारा टर्न पेपर नंबर 6 FMSM और आप हैं बत्रा सर के साथ पेपर 6B आज डिस्कस करने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेटा बत्रा सर का इतिहास रहा है पिछले 35 सालों से पढ़ाते हुए सीए स्टूडेंट को और 70 सीए एग्जाम से कि जो हमने कह दिया वो पेपर में छप जाता है। इसलिए हम कहते हैं पढ़ो चाहे कहीं से, एग्जामिनेशन तो आएगी यहीं से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा अपने पेपर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेके, क्योंकि जब आपने इनको कर लिया और जैसा कि आपने देश भर में हमसे हजारों की संख्या में पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के माध्यम से पढ़ा है और हमारे वर्चुअल टेस्ट को दिया है, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा जी, अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप पाएंगे 90% से ऊपर एग्जाम में इसी के क्वेश्चंस। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं आज के इस सेशन पर। आइए नोट करने शुरू करें पेपर नंबर 6B SM के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। तो बेटा जी चैप्टर नंबर 1 है हमारा, 5 चैप्टर होते हैं आपको पता है, और आपको मेरे हिसाब से एग्जाम में पहले इसे ही कर लेना चाहिए। आप पिछला एग्जाम देख चुके हैं FMSM का, FM में स्कोर करना आसान नहीं रहा आपके लिए, ये SM है जो आपके लिए स्कोर करना आसान है। और बत्रा सर के कहने पे चलेंगे तो बेटा जी 35 से 40 नंबर लाने इसमें कोई दिक्कत का विषय आपके लिए नहीं रहने वाला है। तो 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हमारे लिए। पहला सवाल है चैप्टर नंबर 1 में जो कि हमारे लिए है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो आपको ये तैयार कर लेना चाहिए, ये पिछले जो है कई सालों में एग्जाम में पूछा जाता रहा। आपको पता है ये SSM के पेपर में भी एक हिस्सा हुआ करता था, तो सवाल कई बार पूछा गया। हमने कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलायंस के और बहुत सारे एग्जाम्पल से टाटा के आपको समझाया है इसे, तो कर लीजिएगा। आपके पास हमारे नोट्स अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने वाला, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आप तैयार करेंगे बेटा जी वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पिछली बार बेनिफिट पे सवाल आ चुका है, तो इस बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। आपको मालूम है 4 से 5 नंबर के सवाल आ रहे हैं हमारे इन पेपरों में। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा जा सकता है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसकी लिमिटेशंस क्या है। पिछली बार बेनिफिट आ चुका है, तो इस बार लिमिटेशन पे या इंपॉर्टेंस पे सवाल बन सकता है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे सवाल। आपको मालूम है बड़ा सवाल है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, विजन के ऊपर पूछा जा सकता है, मिशन के ऊपर पूछा जा सकता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे पूछा जा सकता है, और इवन वैल्यूज पे भी सवाल पूछा जा सकता है। और उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल वो है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लो, है ना, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट लेवल, मिडिल लेवल और साथ में ऑपरेशनल लेवल, फंक्शनल लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 सवाल आपको चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कर लेने चाहिए। तो कौन से 5 सवाल हो गए फिर से ध्यान से देख लीजिए। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव आपको तैयार करना है। अच्छा, आपको बेटा जी पढ़ाते हुए मैंने कहा था आपको बकायदे इसका अच्छी सी ओपनिंग डेफिनेशन देनी पड़ेगी, फिर इसको ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ डायग्राम भी बनाने हैं। अगर आपने इस तरीके से किया और जैसे वर्चुअल टेस्ट में आप हमारे साथ कॉपी चेक करवाते आए हैं, तो आपने पाया होगा Day 1 से जब आपने लिखना शुरू किया था आपकी प्रेजेंटेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं थी कि ICA आपको अच्छे से नंबर दे, लेकिन जब आपने हमारे सारे टेस्ट दे दिए जिसमें इंडिविजुअल 5 चैप्टर के 5 टेस्ट, फिर कंपोजिट हमने कई टेस्ट लिए आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो आपको
महसूस हो गया था कि अब हमारी प्रेजेंटेशन स्किल आईसीआई के लेवल पे आ गई और अब हम आसानी से 35 से 40 नंबर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसके लिए अपने ही चैनल के ऊपर बहुत सारे डाल रखे हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे बेटा जी कि आपको हमने 5 अलग अलग यूनिट के मैराथन भी दे रखे हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमने एमसीक्यू की एक सीरीज भी आपको कराई थी, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी चैनल के और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने जा रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल चैप्टर के मैराथन हैं, आपके एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज हैं, इसके अलावा वर्चुअल टेस्ट जो नहीं दिया किसी ने वो देख सकता है, और साथ में ये इंपॉर्टेंट लिस्ट जो मैं अभी आपको दे रहा हूं ये भी गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगी। तो कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे बने रहें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 35 से 40 स्कोर करने का फॉर्मूला बत्रा सर आपके सामने डिकोड कर रहे हैं। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आइए अब इसमें देखें कितने क्वेश्चन हैं, बड़ा चैप्टर है हमारा ये, तो देखें कौन कौन से सवाल इससे पूछे जा सकते हैं हमारे से चैप्टर 2 में। सबसे पहला सवाल जो आपको तैयार करना है वो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में इश्यूज टू कंसीडर क्या है और इसका फ्रेमवर्क क्या है। ये 3 चीजें आप इसमें से तैयार कर लेंगे जिसपे सवाल पूछे जाने की संभावना। नंबर 2, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में मैं मानता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट अलोंग विद देयर एलिमेंट। माइक्रो में भी एलिमेंट्स हैं बहुत सारे आपको पता है और मैक्रो में भी है, वैसे तो आप सब ये बीसी के में बत्रा सर से पढ़ चुके हैं और इवन फाउंडेशन से पहले आप इसे बीएसटी में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो नई बात नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। जैसा मैंने बताया किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए और अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए बींग ए पेपर एंड एग्जामिनर सेटर, मैं बताऊं आपको हम सबसे पहले जो देखना चाहते हैं आपसे कॉपी में अच्छी सी एक ओपनिंग डेफिनेशन विद कीवर्ड्स जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके बाद में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन और उसके बाद में आपका एग्जाम्पल और उसके बाद में एक डायग्राम। डायग्राम में अपने को रफ स्केच बनाना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगर आपने ऐसे किया तो आप बेटा हर क्वेश्चन में दूसरों के मुकाबले आधे से एक नंबर ज़्यादा पाएंगे। उसके बाद पेस्टल एनालिसिस जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस का ही एक और तरीका है। उसके बाद सवाल नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल बिजनेस और वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, कंपनियां ग्लोबल क्यों होती है, मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, इस पे सवाल हो सकता है, तो ग्लोबल क्यों होती है इस पे आप तैयार करें अपने आप को। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी जिसे हम कहा करते हैं उसको तैयार करना है, 4 स्टेजेस होती हैं इसकी आपको पता है, एस शेप कर्व। उसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस तैयार करनी है अपने को, 2 एक्टिविटी होती है प्राइमरी एंड सपोर्टिंग, प्राइमरी में 5 होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक है ना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस एंड सो ऑन, और सपोर्टिंग में भी अपने पास 4 एक्टिविटी होती है। डायग्राम है माइकल पॉटर ने दिया है, माइकल पॉटर कौन बेटा, महागुरु है ना, बत्रा सर ने अपना पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उन्हीं से सीखा है, तो बेटा वो मेरे भी गुरु हैं और मैं हूँ आपका गुरु, तो बेटा वो है महागुरु, गुरुओं के गुरु माइकल पॉटर साहब, लिविंग लेजेंड। उसके बाद माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल को बेटा ढंग से कर लेना, मैं इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मानता हूँ, वैल्यू चेन को भी मान रहा हूँ बेटा जो पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल, एक्सपीरियंस कर्व और उसकी रेलेवेंस क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो एक्सपीरियंस कर्व, जैसे जैसे आप किसी काम को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे उसके सही होने की, उसके बेटर होने की, कॉस्ट इफेक्टिव होने की, गलतियों की संभावना कम होती चली जाती है। जैसे मैंने बताया बेटा आपको पढ़ाते हुए भी, बत्रा सर को पढ़ाते हुए 35 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर क्या डे 1 में उस अथॉरिटी के साथ मैं पढ़ा पाता था या डे 1 से उस तरीके से मैं क्लासेस में डिलीवर कर पाता था, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज जो एक्सटेम्पोर डिलीवरी आप देखते हैं बत्रा सर की, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया है, तो एक्सपीरियंस बाजार में नहीं मिलता, और इसीलिए मैं कहता हूं बेटा पढ़ो चाहे कहीं से, एग्जामिनेशन तो आएगी यहीं से, क्योंकि बत्रा सर आईसीआई की माइंडसेट को जानते हैं और हमने जो कह दिया बेटा कि ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसी से बना हुआ पेपर आप देखेंगे और आप पाएंगे बेटा 23 तारीख को फिर मैं एक और वीडियो के साथ आऊंगा एग्जाम के बाद में, जिसमें ये प्रूव कर दूंगा बेटा। आज मैं रिलीज कर रहा हूं, आज है तारीख 21 और मैं 23 तारीख बेटा बता रहा हूं आपको, पेपर देके आओगे और आप कहोगे सर आपने तो पेपर आउट कर दिया पहले से ही, और बेटा ये आज से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारे एक्सपीरियंस कर्व के कारण पिछले 35 सालों से और 70 से ये एग्जाम अटेम्प्ट से, तो एक्सपीरियंस कर्व को देखेंगे अपन। उसके बाद वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, इसके अलावा कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी और कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, बेटा लैंडस्केप भी तैयार कर लेना, पुराने कोर्स में भी ये कई बार पूछा जाता रहा है, और फिर की फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव सक्सेस करेंगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमने जो है तैयार करने हैं 11 सवाल, चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब तक अपन 2 चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 था हमारा
इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 5 सवाल थे उसमें, फिर से देख लें एक बार अगर आपने लेट ज्वाइन किया इसे तो। और जब आपका पेपर एज सच खुल जाए तो 23 तारीख को आके इसी वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बत्रा सर जैसा आपने कहा था वैसा ही आया और हमारा बेड़ा पार हो गया। क्योंकि मैं कहता हूं अगर आपने इस चैनल पे हमसे पढ़ लिया या हमसे जुड़ गए बेटा तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हेन बत्रा सर इज हेयर देन देर इज नो वरी अबाउट दिस पेपर 6B। FM आप अपने एक्सपर्ट से पढ़िए और SM बेटा पढ़िए आप बत्रा सर के साथ में। और हम जनवरी के लिए भी इसी तरीके से कोर्सेज लेके आए हैं जो मैं बताऊंगा आपको। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, पहला सवाल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस और सवाल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और लिमिटेशन पे सवाल, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जिसमें सब कुछ चीजें शामिल है, वो डायग्राम आपको पता है एक डायग्राम बनता है ऐसा, है ना, विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल 3 प्रकार के। फिर स्ट्रेटेजिक चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, 11 सवाल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस उसका प्रोसेस इश्यू और फ्रेमवर्क, मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट उनके एलिमेंट्स के साथ में, पेस्टल एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस, माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल, एक्सपीरियंस कर और उसकी रिलेवेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वैल्यू क्रिएशन और साथ में कंज्यूमर का बिहेवियर, और उसके बाद कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप पे सवाल और की फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव सक्सेस। तो ये 11 सवाल हैं चैप्टर नंबर 2 के। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे जिसका नाम है, क्या नाम है भाई उसका, इसका नाम भी है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। लेकिन इस बारे ये है इंटरनल एनवायरनमेंट पे, तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट पे सवाल देखें क्या है। पहला सवाल जो आप तैयार करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं हमारे, है ना, की स्टेक होल्डर। मेंडेलो मैट्रिक्स भी आएगी इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर की स्टेक होल्डर आपको जान लेने चाहिए कौन कौन से हैं हमारे। उसके बाद मेंडेलो मैट्रिक्स जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं, इस पे सवाल बन सकता है, एक हाई प्रायोरिटी वाले, लो प्रायोरिटी वाले, हाई स्टेक वाले, इन सारे लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स कौन कौन से हैं जो कि स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके बाद 13 प्रकार की डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इस पर कोई प्रैक्टिकल सवाल भी हो सकता है, तो 13 प्रकार की स्ट्रेटेजीज होती हैं आपको पता है, इसको आपको तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 3 में 4 सवाल हमने अब तक मोस्ट एक्सपेक्टेड बताए हैं, अभी और भी बताने जा रहे हैं आपको। पहला अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स के बारे में जाने, CEO होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, एंड सो ऑन। फिर मेंडेलो मैट्रिक्स आ जाती है, हाई प्रायोरिटी हाई स्टेक से लेकर लो प्रायोरिटी लो स्टेक तक का एक चार्ट हमने देखा था इसका। फिर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आ जाते हैं, फिर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में 13 प्रकार की स्ट्रेटेजी आती है, सोशल मार्केटिंग से लेकर ऑगमेंटेड एंड सो ऑन तक, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट टाइप के चैनल जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, सेल्स का है या और दूसरा है, उनके बारे में जानेंगे। पर उसके बाद कोर कॉम्पिटेंस को जानेंगे, कोर कॉम्पिटेंस के एरिया क्या है, कोर कॉम्पिटेंस का क्राइटेरिया क्या है और इसके एग्जांपल्स को जानेंगे। फिर हम देखेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस जिसे हम SWOT एनालिसिस के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो SWOT एनालिसिस और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इस पर भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी डाल रहा हूं, पूछा जा सकता है ये। और उसके बाद माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटजी, इससे तो सवाल पक्का है, अब वो चाहे सवाल कॉस्ट लीडरशिप पे आए, डिफरेंशिएशन पे आए, फोकस पे आए, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आए, आपको तैयार करके जाना है। और एक सवाल और है जो माइकल पॉटर ने तो नहीं दिया लेकिन है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, जिस पे भी सवाल हो सकता है। तो कुछ और सवाल हमने देखे, चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोर कॉम्पिटेंस, एरिया क्राइटेरिया, एग्जांपल, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, माइकल पॉटर की जनरिक स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, जिसमें फोकस डिफरेंशिएशन फोकस कॉस्ट लीडरशिप दोनों शामिल है, और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। तो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का 4th यूनिट है हमारा और देखें क्या क्या सवाल आ सकता है। पहला सवाल है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस और उसकी क्लासिफिकेशन, आपको ध्यान हो तो एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन किए थे, तो आपको उस पर MCQ भी मिल सकते हैं एग्जाम में देखने के लिए और कोई थ्योरेटिकल सवाल भी हो सकता है। दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है वो डिफरेंट टाइप की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, जैसे स्टेबिलिटी है, एक्सपेंशन है, रिट्रेंचमेंट है, कॉम्बिनेशन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर रीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पिछली बार भी सवाल था, इस बार भी एक सवाल जरूर आएगा क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। उसके बाद टाइप ऑफ मर्जर्स करके जाना आप,
उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंस को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में बाहर डाल रहा हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ करके जाना। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स हैं, टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट, और उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि है स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पे एनसॉफ मैट्रिक्स, एडीएल, बीसीजी, जी मैट्रिक्स, और इनके कोई प्रैक्टिकल सवाल भी हो सकते हैं कि आपको एक टेबल दे दी जाए, जैसा कि मैंने क्लास में करते हुए आपको एक प्रैक्टिकल सवाल करवाया भी था, और मेरे इसी चैनल पर वो प्रैक्टिकल सवाल बीसीजी के बारे में अवेलेबल भी है, तो आप देख सकते हैं। हमने केवल और केवल 5 यूनिट्स के आपको जो है वो मिनी मैराथन नहीं दिए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। इसके अलावा हमने आपको एक समरी चार्ट जो 5 यूनिट का है उसका एक मैराथन दे रखा है, हमने आपको डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन का एक अलग मिनी मैराथन दे रखा है, हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अलावा केस सिनेरियो का दे रखा है, हमने एमसीक्यू का दे रखा है, तो हमने हर प्रकार के मैराथन देने की कोशिश की है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब मिल जाएंगे, और हमारे ही चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा पे आपको ये सब मिलते हैं। तो चैप्टर 4 हो गया स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे, जिसपे क्लासिफिकेशन चॉइसेस आ जाती है डिफरेंट टाइप की, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, टाइप ऑफ मर्जर, एनालिसिस, अलायंसेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एग्जिस्ट, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पे सवाल आएगा। आइए अंतिम चैप्टर पे चलते हैं और आज का ये सेशन खत्म करते हैं। चैप्टर 5 है हमारा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। इसमें पहला सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, उसके वेरियस स्टेजेस। इस पर एक डायग्राम भी है और स्टेजेस में डायग्राम नहीं बनाना, हमने पढ़ते हुए बताया था। फिर आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज का एक डायग्राम है, एक तरफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है, एक तरफ ऑपरेशनल प्लानिंग आती है, इस पर डिफरेंस का भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मानता हूँ, जिस पर सवाल आ सकता है। उसके बाद है स्ट्रेटजी में आपस में लिंकेजेस क्या हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, और क्या इश्यूज होते हैं इंप्लीमेंटेशन में। उसके बाद स्ट्रेटजिक चेन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मान रहा हूँ, और कर्ट लेविन का मॉडल क्या है ना, अनफ्रीजिंग करना, फिर चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, फिर रीफ्रीज करना। बत्रा सर ने एक वनीला आइसक्रीम का एग्जाम्पल देके क्लास में समझाया था, याद हो तो। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जिसमें हाउ इट वर्क्स, रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेज और हाउ टू मेक चेंज भी आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, जिसमें मैकेंजी के 7 मॉडल है, सॉफ्ट पावर्स और हार्ड जो एलिमेंट्स हैं दोनों को लेके। उसके बाद चैंडलर का सिद्धांत आ जाता है स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, इस पे सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5वां चैप्टर है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन पे, अब तक 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और भी करने वाला हूं, उसके बाद आज इस सेशन को हम खत्म करेंगे आपके लिए। तो पहला सवाल जो आपको तैयार करना है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और वेरियस स्टेजेस पे है। उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी स्ट्रेटजिक ऑपरेशनल प्लानिंग पे है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में रिलेशनशिप और डिफरेंसेस पे है, उसके बाद लिंकेजेस और उसके इश्यूज पे है, स्ट्रेटजिक चेन कर्ट लेविन का सिद्धांत है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हाउ इट वर्क्स, रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाउ टू मेक चेंजेस है, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में मैकेंजी का मॉडल है और चैंडलर का सिद्धांत है रिलेशनशिप का। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आते हैं वो पढ़ के फिनिश करते हैं आज के इस हमारे सेशन को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं जो पूछा जा सकता है आपसे वो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 8 प्रकार के स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था, सिंपल है, फंक्शनल है, डिविजनल है, मल्टी डिविजनल, एसबीयू, ये 5 जो है इनको तो ओल्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो नए स्ट्रक्चर है वो है मैट्रिक्स, नेटवर्क और आवरग्लास। तो 8 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब तैयार कर लेना, जरूर आएगा एक सवाल इसमें से। उसके बाद अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड में कौन कौन से ले लेंगे, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, एसबीयू ले लेंगे एक तरफ, और न्यू में हम ले लेंगे मैट्रिक्स, नेटवर्क, आवरग्लास, और ये एक टेबल है हमारी, है ना, ये मैंने क्लास में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आ जाया करता है हमारा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप आ जाती है, रोल्स और उसके टाइप, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शनल दो लीडरशिप टाइप्स आ जाती हैं जिनको आप तैयार करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आ जाता है, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक टाइप के कंट्रोल आ जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर आ जाता है, जिसमें की इंडिकेटर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट मेजर्स क्या है, मैं इसे फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मान रहा हूं, जिसको आपको तैयार करना है। तो ये कुछ और सवाल हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोई सवाल देखेंगे आप इस पे, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, एसबीयू, ओल्ड स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, नेटवर्क, आवरग्लास, न्यू स्ट्रक्चर, इनके बीच का डिफरेंस अगला सवाल, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जिसमें उसका रोल और टाइप आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशनल टाइप, एग्जांपल के साथ आप बताएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक टाइप आ जाता है, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, की इंडिकेटर, टाइप, इंपॉर्टेंस एंड राइट मेजर्स आ जाता है।
तो ये थे बेटा जी आपके लिए सवाल। मैं होप करता हूं इससे आपकी जिंदगी और लाइफ मैंने आसान कर दी है। बस अब आप अपनी तैयारी करें और आप हमारे चैनल पे इन सब के मिनी मैराथन और वीडियो पा सकते हैं। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें, ये गूगल ड्राइव में ये PDF भी दे रखा है, पांचों मिनी मैराथन्स दे रखी हैं, MCQ का किट दे रखा है और साथ साथ में आपको गूगल ड्राइव के अंदर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें और दे रखी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारी चीज़ें पाएं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, आपके जूनियर्स को बता सकते हैं कि January 25 एंड ऑनवर्ड्स भी बत्रा सर ने अपना एक बैच लॉन्च कर रखा है और इस महीने की 30 तारीख तक 30 सितंबर तक हम 50% ऑफ में अपना कोर्स ऑफर कर रहे हैं विद द कोड BTRASR50 पे, जहां हम आपको कलर प्रिंटेड नोट आपके घर पे पहुंचाएंगे। अनलिमिटेड व्यू है January 25 के एग्जाम तक। वर्चुअल लाइव टेस्ट हम लिया करते हैं 5 यूनिट के और फिर कंपोजिट भी, फिर MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और ये सब आप हमारी वेबसाइट www.batrasar.com से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा आपको हेल्पलाइन नंबर है 9414127751, जिस पे आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये अंतिम एग्जाम भी आप अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि जब है बत्रा सर आपके साथ तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है खतरे की बात। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। मिलेंगे 23 तारीख को एक और सेशन के साथ में, जहां मैं बताऊंगा आपको जैसा हमने कहा था वैसे ही आपका पेपर आया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।